उतार दीजिए आप। किस आदमी को रखे हैं? किस आदमी को उतारिए? किस आदमी को रखे हैं? गाइस मैं तुझे स्टाफ है, ये प्राइवेट गुंडा स्टाफ है, ये आरटीओ से है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में अब चेकिंग जोरों पर हो रही, अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं और आप ट्रांसपोर्टेशन के नियम का पालन नहीं करिएगा तो आप तो पकड़े जाइएगा। लेकिन इसी बीच दारोगा जी भी अब पकड़े जा रहे हैं और उन पर भी दनादन लात और घूसों की बारिश हो रही। ये पहली दफा नहीं है, कई जगह से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक और तस्वीर भोजपुर से सामने आई है। और तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो ये दारोगा जी हैं वो अपने गाड़ी में माफिया को बैठाए रहते हैं और इसके बावजूद ट्रकों की चेकिंग करते हैं, क्योंकि लाइसेंस दारोगा जी के हाथ में है। अब दारोगा जी ट्रक की चेकिंग करते हैं और जो ट्रक मालिक है उनसे अवैध वसूली करते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा घूस मांगने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद से वहाँ के लोग आक्रोशित हो जाते हैं और दे दनादन लात और घूसों की बारिश कर देते हैं। आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से जब दारोगा जी निकलते हैं और उसके बाद ट्रक मालिकों के सामने जाते हैं और पैसे की मांग करते हैं, यानी कि ये जो पैसे की मांग करते हैं वो घूस के तौर पर लेते हैं, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, जो ट्रक मालिक हैं, वो आक्रोशित हो जाते हैं और आव देखते हैं ना ताव, लगातार एक के बाद एक दारोगा जी पर जमकर पिटाई कर देते हैं। पहले थप्पड़ बरसाते हैं, उससे काम नहीं बनता, उससे उनका आक्रोश जो है वो शांत नहीं होता, तो लात घूसा भी बरसाना शुरू कर देते हैं। बिहार में परिवहन विभाग के अधिकारियों कर्मियों को अवैध वसूली का लाइसेंस मिला है। ऑफिस हो या फिर सड़क पर, हर जगह सिर्फ वसूली का खेल होता है। पटना डीटीओ ऑफिस में तत्कालीन डीटीओ और कर्मी की मिलीभगत से करोड़ों के वारा न्यारा करने की आग अभी शांत ही नहीं हुई कि एक और मामला सामने आ गया। इस बार भी परिवहन विभाग के दारोगा की अवैध वसूली करने की पोल खुल गई। परिवहन विभाग के दारोगा का एंट्री माफियाओं से साठगांठ की भी पोल साथ में खुल गई। दारोगा जी माफियाओं को अपनी गाड़ी में बिठाकर ट्रकों की चेकिंग कर रहे थे। परिवहन दारोगा ट्रक मालिकों से अवैध पैसे की मांग कर रहे थे। इसके बाद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और दारोगा जी को गाड़ी सहित घेर लिया, फिर से जमकर कुटाई कर दी। मामला भोजपुर से जुड़ा है। भोजपुर में परिवहन दारोगा राकेश कुमार परिवहन माफियाओं से मिलकर अवैध वसूली कर रहे थे। दारोगा अपनी गाड़ी में परिवहन माफियाओं को बैठाए हुए थे और इसी बीच ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली करने चल पड़े, जिसके बाद से जो आक्रोशित स्थानीय लोग हैं वो दारोगा जी पर एक के बाद एक लात और घूसों की बारिश करने लगे। तो ये पहली दफ़ा तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे, लगातार कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अब सवाल है कि अगर जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई, उसके अधिकारियों को दी गई, तो क्या इस तरीके से अपने पद का और अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इस तरीके से सामने से घूस लेना चाहिए? जिस तरीके से लगातार जनता विरोध कर रही है, ऐसे में जनता सवाल भी कर रही है कि ये कैसा सुशासन है जहां पर खुद दारोगा जी अपने गाड़ी में माफिया को बैठाए रहते हैं और बाहर निकलकर वसूली कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।